गुड मॉर्निंग सर। यस ठीक है, गुड मॉर्निंग। आपका टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज का ट्राइकोमा। ये ट्राइकोमा क्या होता है? ट्राइकोमा इज अ कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस होता है। कैरेटो माने होता है कॉर्निया, और कंजंक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड में, मतलब हो जाता है। अच्छा, इन्फेक्शन हो जाता है आईलिड में। अच्छा, इन्फेक्शन हो जाता है आईलिड में। आईलिड में किसको कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजंक्टिवाइटिस क्यों बोलते हैं? कैरेटो माने दो शब्द मिलके बना होता है। कैरेटो में होता है कॉर्निया, और कंजंक्टिवाइटिस में होता है कंजंक्टिवा में क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सॉरी, कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है। अच्छा, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट है क्लेमाइडिया ट्रेकेमाइटिस। क्लेमाइडिया ट्रेकेमाइटिस। अच्छा, ये क्या है? ये वायरस है या बैक्टीरिया है? सर, बैक्टीरिया है। अच्छा, इसका अगर बात करें ट्रेकोमा की, तो ट्रेकोमा कैसे फैलता है? सर, ट्राइकोमा पर्सन टू पर्सन फैलता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आने से, मतलब फैलता है। कैसे मतलब? मतलब जैसे किसी पर्सन के पास में जाने से, उसके छूने से, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब। अच्छा, मतलब अगर किसी पर्सन को ट्राइकोमा हुआ है, हाँ, उसके तो पास वो हाथ अपने, हाँ, टच किया है जी, और अगर आप उसको टच कर लेते हो तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स सब इसके हैं, जैसे वाटरिंग होगा, मतलब डिस्चार्ज होगा, पेनफुल होगा, ब्लरिंग होगा, ट्राइकोमैटिक्स हो जाएगा, मतलब फोटोफोबिया होगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। अच्छा, धुंधलापन होगा, मतलब। अच्छा, डिस्चार्ज में मतलब आपने लिखा है वाटरिंग और डिस्चार्ज। जी, वाटरिंग मतलब क्या है? वाटरिंग मतलब कि पानी जैसे, मतलब जो होता है वो। अच्छा, मतलब आँखों में, हाँ, पानी आना। जी। और डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज की आंसू, मतलब बहते ही रहेंगे, मतलब डिस्चार्ज होता रहेगा जो मतलब होगा। जितने भी आंख से बेस्ट मटेरियल जी, वो सब बाहर होता रहेगा। ओके, और इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? इसके रिस्क फैक्टर में 5D और 5S है, मतलब 5D माने ड्राइनेस, डस्टी, डर्टी हैंड, डिस्चार्ज एंड डेंसिटी, और 5F माने फिंगर, फ्लीस, फेसियस, फॉर्मिटीज। मतलब आपने 5D के थ्रू इसको बताया जी। 5D मतलब होता है, डी मतलब होता है जी, ड्राइनेस, डस्टी, डर्टी हैंड, डिस्चार्ज एंड डेंसिटी। ओके, गुड। और 5F मतलब फिंगर, फ्लाइज, फेसेस, फैसियस एंड फॉर्मिटीज। मतलब इसके द्वारा भी हो सकते हैं, अगर आप हाथ को जी, मतलब फिंगर को ले जाते हो जी, हाँ, फिंगर को ले जाते हैं, मतलब मधुमक्खियों को जी, जी, ठीक है, हाँ, जब टॉयलेट। फॉर्मिटीज मतलब होता है कि आप किसी का बेडशीट यूज कर रहे हैं, या फिर कोई उसकी पर्सनल वस्तु यूज करते हैं, मतलब उससे जैसे रुमाल हो गया, या उसका कपड़े हो गए, मतलब हो गया, कपड़े हो गए, इसके द्वारा भी फैलता है। अच्छा, और ये उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है? ट्रीटमेंट सर, ट्रेकोमा को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? ट्रेकोमा को सर 5WHO के क्लासिफिकेशन के 5 में डिवाइड किया गया है, मतलब उसको जो है फिस्टो नाम दे, मतलब दिया गया है। पहला है हमारा ट्राइकोमा फॉलिकल्स, ट्राइकोमा इंटेंस, ट्राइकोमा स्कैरिंग एंड ट्राइकोमा ट्राइकेसिस एंड कॉर्निया ओपेसाइटिस। जो हमारा ट्राइकोमा फॉलिकल्स है, इसमें 0.5 mm का फॉलिकल्स हो जाता है, मतलब डायमीटर आईलिड में, मतलब होता है। और ट्राइकोमा इंटेंस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, थिकनेस हो जाती है, मतलब हल्का सा मोटा हो जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है। ट्राइकोमा स्कैरिंग में मतलब कॉर्निया के अंदर जो स्कैरिंग पाया जाता है उसमें हो जाता है। एंड ट्राइकोमा ट्राइकेसिस में आईलिड जो अपर में भी अकर पाया जाता है, मतलब। और जो कॉर्निया ओपेसाइटिस होता है, इसमें कॉर्निया ब्लाइंडनेस होता है, इसमें जो है कॉर्निया ब्लाइंड जो अंधापन मतलब हो जाता है। सेफ एस माने होता है सर्जरी, मतलब किसी सर्जरी के दौरान हम उसको ट्राइकोमा को ट्रीट कर सकते हैं। और ए माने होता है एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक में हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं, मतलब ओरल या टॉपिकली। अगर ओरल में जैसे ओरली जो हम लोग खाते हैं, मतलब उसमें एजिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। एंड जो ट्रॉपिकल होता है, 1% टेट्रासाइक्लिन का जो है इंजेक्शन लगा सकते हैं, मतलब ट्रॉपिकली होता है, या बेड टाइम मतलब दे सकते हैं। और एफ माने होता है फेस क्लीनिंग, हर समय फेस को मतलब क्लीनिंग करना चाहिए, मतलब इससे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं ट्राइकोमा को। एंड एनवायरनमेंट चेंज, कभी कभी एनवायरनमेंट चेंज से भी मतलब होता है उसको, अगर साफ रहेगा एनवायरनमेंट तो हमारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं ट्राइकोमा को।